नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। सोसाइटी के रिवीजन का ये हमारा नोवा लेक्चर है। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुक्ति कारवा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मुक्ति कारवा को रन किया जा रहा है राजस्थान में। मुक्ति कारवा देखो एक कैंपेन है समाज में फैली बुराइयां जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इन बुराइयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, थिएटर आर्टिस्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स इस कैंपेन का पार्ट हैं। कैसे जागरूकता पैदा की जाती है समाज में फैली बुराइयों के बारे में? स्ट्रीट प्लेस की सहायता से, सॉन्ग्स, दीवारों पर चित्र बना के, छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग ऑर्गेनाइज करके, ये कुछ टूल्स हैं जिनकी सहायता से जागरूकता पैदा की जाती है। देखो, इस कैंपेन को चलाने का मकसद ये है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है इसे रोकना, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 60% जो विक्टिम्स होते हैं वो देखो बच्चे ही होते हैं। मुक्ति कारवा को लॉन्च किया गया था नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा 1997 में। मुक्ति कारवा के अंतर्गत समय समय पर अलग अलग जगहों पर कैंपेन चलाए जाते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में है। अभी हाल ही की फाइंडिंग्स के मुताबिक, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नियेपा के द्वारा आयोजित की गई, रिलीज की गई, उसमें ये पाया गया कि ये जो स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिसे हम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम बोलते हैं, उसकी मदद से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में जो ड्रॉपआउट रेट्स हैं वो गिरे हैं। ये स्कीम क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2008 के बाद से इम्प्लीमेंट किया गया। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बच्चे 8th पास कर लेते हैं वो कई बार पैसे की कमी की वजह से 9th या उसके आगे की पढ़ाई नहीं करते। तो अगर वो मेरिटोरियस हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो 8वीं क्लास के बाद उनको इनकरेज किया जाए पढ़ाई के लिए और उन्हें एक स्कॉलरशिप दी जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई छोड़े नहीं। इसमें जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप दी जाती है, मतलब हर साल 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ये स्कॉलरशिप 12,000 रुपीज पर एनम होती है, यानी कि अगर आप देखें तो 1,000 पर मंथ। ये काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप है किसी भी बच्चे के पढ़ने के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर 9वीं क्लास के बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, और एक बार वो स्कॉलरशिप अवेल करते हैं तो उसे कंटिन्यू किया जाता है, रिन्यू किया जाता है क्लास 10th में, 11th में और 12th में, अगर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लॉन्च किया गया दैती के द्वारा। ये जो स्कीम है NMMSS, इसे और ब्रॉड किया गया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से 2015-16 में। इसे डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैती के द्वारा, जो इस स्कीम को बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाती है कि ये इफिशियंसी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती रहे। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, यूटीज के, वो खुद को NSP पर जाकर रजिस्टर करते हैं अपनी मेरिट के बेसिस पर। 2 बिलियन किलोमीटर्स टू सेफ्टी कैंपेन से संबंधित है। अगर UPSC के द्वारा पूछ लिया जाता है, ये कैंपेन हाल ही में चला था 2 बिलियन किलोमीटर्स टू सेफ्टी, क्या है ये कैंपेन? देखो, ये कैंपेन है UN रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR का। इस कैंपेन के अंतर्गत वर्ल्ड के लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप इतना ट्रैवल कीजिए, 2 बिलियन किलोमीटर आप ट्रैवल कीजिए। किसके साथ? सिंपथी शो करने के लिए रिफ्यूजीज जो एक साल में इतना ट्रैवल करते हैं सेफ जगह पर पहुंचने के लिए, उनके साथ एकजुटता को शो करने के लिए। UNHCR के अनुसार हर साल वर्ल्ड में रिफ्यूजीज के द्वारा 2 बिलियन किलोमीटर की यात्रा की जाती है सेफ स्थान पर पहुंचने के लिए, जहां पे वो अपनी जान को बचा सकें। ये डिस्टेंस देखो ऑलमोस्ट कितना है, एक अंदाजे के तौर पर मान लीजिए ये हमारा सोलर सिस्टम है, अर्थ से लेके सैटर्न और यूरेनस के बीच तक का ये डिस्टेंस है 2 बिलियन किलोमीटर्स। तो वर्ल्ड के विभिन्न लोग भाग सकते हैं, चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं इतना डिस्टेंस, ताकि एकजुटता शो कर सकें रिफ्यूजीज के साथ जो अपनी जान बचा के भागते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक सीरियन रिफ्यूजी 240 किलोमीटर
की यात्रा करता है टर्की पहुंचने के लिए, साउथ सूडान का रिफ्यूजी 640 किलोमीटर की यात्रा करता है कीनिया पहुंचने के लिए। तो ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं, न जाने कितने रिफ्यूजीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, सेफ स्थान पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट में इंडिया को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। देखो इस इंडेक्स की हम बात करें, इस इंडेक्स में विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई थी इस आधार पर कि कौन से देश की कितनी क्षमता है अपने स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की, मतलब कौन सा देश अपने स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। इस आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रोवाइड की गई इस इंडेक्स में। रैंकिंग जो है वो तीन कैटेगरीज के आधार पर है। सबसे पहले पॉलिसी इन्वायरमेंट, कौन से देश में एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन से संबंधित अच्छी पॉलिसीज हैं, दूसरा टीचिंग इन्वायरमेंट और तीसरा ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये इंडेक्स विभिन्न देशों के एजुकेशनल सिस्टम को एनालाइज करता है स्किल बेस्ड एजुकेशन के परस्पेक्टिव से। स्किल बेस्ड एजुकेशन मतलब जैसे देखो क्या ऐसी एजुकेशन दी जा रही है जिससे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो, लीडरशिप क्वालिटी, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके साथ साथ डिजिटल एंड टेक्निकल स्किल्स, ये सारी जो स्किल्स हैं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन में आती हैं। अगर वर्ल्ड की हम लार्जेस्ट इकोनॉमीज की बात करें तो बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, ये तो देखो इस इंडेक्स में पिछड़ रही हैं, जबकि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया ये धीरे धीरे आगे निकल रही हैं। इस साल इंडिया का स्कोर रहा 53, पिछले साल इंडिया की रैंक थी 40वीं और इस साल इंडिया की जो रैंक है वो है 35वीं, यानी 5 places का जंप मारा है इंडिया ने इस इंडेक्स में। फिनलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया है और दूसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो स्वीडन को। वैसे देखो इस इंडेक्स को प्रिपेयर तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया गया है, लेकिन इस इंडेक्स और रिपोर्ट को बनवाया गया है यिडान प्राइज फाउंडेशन ने, मतलब स्पॉन्सर जो है वो यिडान प्राइज फाउंडेशन है। जैसा हमने डिस्कस किया इस इंडेक्स और रिपोर्ट का मकसद ये था विभिन्न देशों के एजुकेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस को असेस किया जा सके, कौन सा देश कितना कैपेबल है, कौन सा देश कितने अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा है, तेजी से जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है उसके अनुसार और आज के समय में जिस प्रकार की वर्क की डिमांड है उसके अनुसार। ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल इंडेक्स है जो एजुकेशन सिस्टम की इनपुट को इवेल्युएट करता है, ना कि आउटपुट को। आमतौर पे देखो हम आउटपुट को इवेल्युएट करते हैं कि बच्चा कितना पढ़ सकता है, कैसा पढ़ सकता है, छठी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, लिटरेसी कैसी है, ये सब आउटपुट हैं। लेकिन इस इंडेक्स में इनपुट को देखा जाता है कि पॉलिसी इन्वायरमेंट कैसा है, टीचिंग इन्वायरमेंट कैसा है, ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब इनपुट्स हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019 से संबंधित। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी होता क्या है? यहाँ देखिए एक स्टडी पब्लिश की गई है ऑक्सफॉर्म के द्वारा। ऑक्सफॉर्म क्या है? सी आपने देखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट रिसेंटली हेल्ड की गई थी, कहाँ पर? दाओस में, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटीज, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, ये बोथ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक जो थी वो है ऑक्सफॉर्म। ऑक्सफॉर्म ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और कहा कि इनकम इनइक्वालिटी ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसने क्या कहा? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऑक्सफॉर्म ने कहा, ये डाटा देखिए आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की करीब करीब 130 करोड़ है, इसमें से करीब जो 95 करोड़ के पास जो वेल्थ है उसका 4 times ज्यादा वेल्थ किसने हेल्ड किया है? इसका वेल्थ हेल्ड किया है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन ने, अगर 1% है तो। ये ऑक्सफॉर्म कह रही है ये इस तरह की इनइक्वालिटी चल रही है, जो कि 95 करोड़ के पास जितनी भी वेल्थ है उससे 4 गुना ज्यादा वेल्थ
1% लोगों के पास है इंडिया में, जो कि 1% लोगों ने, 1% लोग हैं रिचेस्ट लोग। इनइक्वालिटी होती क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने इनइक्वालिटी को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि ये कह रहा है कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां पे इक्वल इक्वालिटी नहीं दी जाती है स्टेटस के आधार पे, राइट्स के आधार पे, अपॉर्चुनिटीज के आधार पे। किस तरह का स्टेटस? ये इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है, सोशल स्टेटस भी हो सकता है, राइट्स किस तरह की है? ये एक्सेसिबिलिटी टू द रिसोर्सेज, कि कौन कौन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ। और अपॉर्चुनिटीज क्या है? जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस जॉब्स होते हैं। फर्दर यूनाइटेड नेशंस ने और ज्यादा इसको क्लासिफाई करते हुए कहा है कि ये इनकम इनइक्वालिटी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सेकेंड हो गया सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये और ज्यादा फिगर्स देखिए आप, रिचेस्ट 10% लेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन में, इंडिया के रिचेस्ट लोगों में जितनी वेल्थ है इंडिया की, वो सिर्फ 10% लोगों की के हाथ में, के कंट्रोल में है। उसका 54% वेल्थ इंडिया का सिर्फ टॉप रिचेस्ट लोग के पास है। ये हो गई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सेकेंड, सोशल इनइक्वालिटी क्या है? ये इस तरह की इनइक्वालिटी है जो अलग अलग स्पीयर्स में देखने को मिलती है, जैसा कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, लोगों को मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में बांट देना, इसको कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी। इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए थे ऑक्सफर्म के द्वारा, जैसा कि एक मैं बता दूंगा आपको। अगर ये इनइक्वालिटी का जो डिस्टेंस है उसको कम करना है तो करना ये होगा कि रिचेस्ट लोगों से ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गरीब को सब्सिडीज देना। ये एक सॉल्यूशन बताया था, बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए थे जिनमें से एक मुझे अच्छा लगा और मैं आपको बता रहा हूँ। और इनइक्वालिटी को डिफाइन कैसा करते हैं, मेजर कैसा करते हैं? इनइक्वालिटी को मेजर लॉरेंस कर्व के द्वारा किया जाता है। लॉरेंस कर्व आपने पढ़ा होगा, लॉरेंस कर्व के बारे में इंडियन इकोनॉमी में, और बहुत सारे इंडिसेस हैं इसको मेजर करने के। इंडिसेस होता क्या है? इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडिसेस होता है। इंडेक्स जैसा कि जीनी इंडेक्स हो गया, एटकिंसन इंडेक्स हो गया, रॉबिनहुड इंडेक्स हो गया, हूवर इंडेक्स हो गया, ये पूरे इंडेक्स हेल्पफुल है, यूजफुल है, किस लिए? इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए। एंड अवर नेक्स्ट आर्टिकल इसके बाद, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में था जनवरी और फरवरी के मंथ में। आंगनवाड़ी वर्कर्स ये क्यों सुर्खियों में था? मध्य प्रदेश, अभी तो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे हम। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऑर्डर इशू किया था जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। किस लिए रेस्ट्रिक्ट करता है? अगर ये लोग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अलावा कोई अलग तरह के ड्यूटीज में इन्वॉल्व होंगे तो ये रुकेगा, क्योंकि इन लोगों का मेन एम जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स रखने का, ये है ICDS को प्रमोट करें, ICDS के क्षेत्र में काम करें, लेकिन वो हो रहा नहीं है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये ऑर्डर इशू किया है कि उनको रेस्ट्रिक्ट करें, उनको रोका जाए अगर वो लोग ICDS के अलावा कहीं दूसरे क्षेत्र में काम करेंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे सोशल सर्विसेज, जैसा कि मैं बता दूं आपको, पॉपुलेशन सर्वे करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है, तो ये लोग की मदद ली जाती है आंगनवाड़ी वर्कर्स के। पहले बहुत कम अवेलेबल है इंडिया में आंगनवाड़ी वर्कर्स, और ये भी ICDS के काम के लिए काम में नहीं आएंगे, दूसरे अलग पर्पजेस के लिए उनको यूज किया जाएगा, तो ICDS वर्क कैसा करेगा? इसलिए मध्य प्रदेश ने ये ऑर्डर इशू किया था। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ये एक कंपोनेंट है, किसका? ICDS का कंपोनेंट है, जो कि स्कीम है ICDS मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, अलॉन्ग विथ और उसके बहुत सारे स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, जैसा कि पीएम मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम एंड नेशनल कृषि स्कीम, उनमें से एक आंगनवाड़ी सर्विसेस है। ये आंगनवाड़ी सर्विसेस किस लिए काम करती है, क्या काम है लोग का? आंगनवाड़ी वर्कर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 0 से 6 एज के ग्रुप में, जो भी बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी है, प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर्स है, इन लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, जैसा कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ये लोग बताएंगे कि न्यूली
बॉर्न बेबी के लिए क्या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ेगी, ये लोग वो भी बताएंगे कि उसको प्री स्कूल कैसा दिया जाएगा और नॉन फॉर्मल एजुकेशन किस तरह से दी जाएगी उसको, न्यूबॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन लेवल क्या होना चाहिए मदर का और न्यूबॉर्न बेबी का, हेल्थ एजुकेशन किस तरह से होगी, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन इन द सेंस वैक्सीनेशन जो प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ चेकअप रेगुलर बेसिस पे लोगों का हेल्थ चेकअप होना है, और रेफरल सर्विसेज, ये लोग बताएंगे कि कहाँ से किधर जाना है अगर प्रेग्नेंट हो गए तो, कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को कैसा रेफर करना है, ये लोग एक बराबर एक हेल्थ सर्विसेज में और होम्स में हाउस होल्ड्स में एक मीडियम के जैसा वर्क करते हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उसको रेफरल सर्विसेज कहते हैं। आगे देखिए आप आंगनवाड़ी वर्कर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसा कि अगर मैं ANM की बात करूं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कहते हैं इनको, ये थ्री कैडर्स कम्युनिटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स के अलग अलग कैडर्स है, कम्युनिटीज है मैं बताऊं या तो। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ क्या होती है, ये एक विलेज लेवल पे काम करती है और इन लोगों का काम होता है कि केयर, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना विलेज लेवल पे हर किसी को। आंगनवाड़ी वर्कर ये फिर घरवाले क्यों नहीं कर सकते, ये इन लोगों को रहना क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर विलेजेस में जाएं आप तो उन लोगों के ज्यादातर सेंस नहीं होता है कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज लाती है, किस तरह के इंतजाम करती है उन लोगों के लिए, कौन से सब्सिडीज अवेलेबल है, उसी तरह से उन लोगों को ये भी नहीं पता कि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो कहाँ पे जाना है, कहाँ विजिट करना है, तो ये लोग जो है एक बफर जैसा काम करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, बफर जैसा यानी गवर्नमेंट को लोग से जोड़ते हैं, लोग को गवर्नमेंट के सर्विसेज से जोड़ते हैं इस तरह से। आंगनवाड़ी वर्कर्स AWW ये लोग हर विलेज में काम करते हैं, जो कि मेनली फोकस होगा न्यूट्रिशन लेवल पे, फोकस ऑन सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट, जैसा कि सप्लीमेंट्स होता क्या है जी, देखिए आप खाने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डोजेस ले रहे हैं न्यूट्रिशन के, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। यंग चिल्ड्रन में सप्लीमेंट्स कैसा दें, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए सप्लीमेंट्स कैसा करें, लैक्टेटिंग वुमेन को उनका न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव करने के लिए किस तरह के सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करें, ये काम है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आशा, इसका फुल फॉर्म देख लें पहले, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये क्या है, ये देखिए एक वर्कर्स का ग्रुप है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, जो कि फोकस करता है प्रोमोशन ऑफ इम्यूनाइजेशन के, वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और इंस्टीट्यूशंस बेस्ड डिलीवरी को इनकरेज करना, घरों में डिलीवरीज जो होते हैं, अभी भी विलेजेस में जाएंगे आप तो वहाँ पे घरों में डिलीवरीज होते हैं, इन लोग का काम ये है कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनके फैमिली को अवेयर कराएं हेल्थ सर्विसेज से, और लेकर जाके है ना उनकी डिलीवरीज इंस्टीट्यूट्स में यानी हॉस्पिटल्स में करवाएं। और बहुत सारे अभी तो देख रहे होंगे आपके प्रेग्नेंट वुमेन को कितने सारे एडवांटेजेस हैं, ये सारे एडवांटेजेस उस तक पहुंचाना, उस तक उसको रिसीव करवाना, ये सब आशा वर्कर्स की जिम्मेदारी है। अभी आज के लिए इतना ही आंगनवाड़ी वर्कर्स के, थैंक यू। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।